हेलो गुड हेलो, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अब आवाज आ रही है और स्क्रीन भी शो हो रही है आपको। यस मैम। स्टार्ट करें अपन लोग। यस मैम। हेलो मैम कहीं से वाइब्रेट कर रहा बहुत ज्यादा। बेटा, म्यूट कर दीजिए सभी लोग। सभी पार्टिसिपेंट्स म्यूट हो जाइए। वॉइस बहुत धीरे आ रही है। मैम आपका नेटवर्क इशू है लगता है। क्या पता आज क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अभी चालू तो कर रहा है मैंने। वैसे नेटवर्क तो सही आ रहा है यहाँ पे। अब आवाज आ रही है सही से? हाँ यस मैम अब सही है। चलिए ठीक है ना। तो यस आप लोगों को कल मैंने एक होमवर्क दिया था कि आप लोगों को मैंने बोला था कि सारे सिंबल्स आप लोगों को ड्रॉ करने हैं। उसमें बनाए आप लोगों ने सिंबल्स सारे? यस मैम। यस मैम। हाँ सारे। मैम मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया। हाँ, व्हाट्सएप अभी मैंने चेक नहीं किया है तो इसलिए नहीं हो पाया होगा। व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपको बस जो दिया था वो कर लिया ना आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। यस वीकली मैं पूरे नोट्स वगैरह आपसे मांगा करूंगी कि आपने कितने कंप्लीट करे हैं, तो उसके फिर आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजिएगा बाद में। अभी तो मैं जो बताती जा रही हूँ वो करते जाइएगा आप लोग, है ना? यस मैम। तो कल मैंने आपको अपना जो फर्स्ट यूनिट है उसका इंट्रोडक्शन दिया था मैंने कि क्या इंट्रोडक्शन है यूनिट का, है ना, पांचवा यूनिट। और आज से मैंने बोला था कि आज अपन अपना फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट कौन सा था? अपना डीसी सर्किट, है ना? डीसी सर्किट स्टार्ट करना है हम लोगों को। तो डीसी सर्किट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो अपन को पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले आप कल मैंने डिफरेंस भी बताया था कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस होता है, ये भी चीज आप लोगों को कल ही मैंने बताई थी, है ना? तो सबको याद yes, है। मैम आवाज कट गया मैम आपका। अब आवाज आ रही है मैम? वापस डीसी। यस मैम आ रही। ये किसी का ना मुझे लग रहा है माइक्रोफोन ऑन है शायद, इसलिए डिस्टरबेंस आ रहा है। सबको माइक्रोफोन ऑफ रखो अपना। देखो ये गौरव का माइक्रोफोन ऑन है, आशुतोष का ऑन है। ये बंद करिए ना साउंड अपना, साउंड बंद करिए सभी लोग। अब आवाज आ रही है ठीक से? यस मैम। आगे बढ़ू मैं? यस मैम। है ना? तो कल मैंने आपको डिफरेंस बताया था किसके बीच में, कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने मुझे बताया था कि जितनी भी हाई पावर रेटिंग डिवाइसेस हैं वो सारी किसमें आ रही है? इलेक्ट्रिकल के अंदर। और जितनी भी लो पावर रेटिंग डिवाइसेस है वो किसमें आती है? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे आप ये देखिए, सिंपल एक स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सिंपल आप इसको देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी लाइफ में, जिससे हम सारी चीजों में जैसे लाइटिंग, हीटिंग, कूलिंग, इंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज है ना? ये चीज पता है सभी को, सभी लोग देख भी रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। Yes, ma'am. Yes,
ये सब छोड़ दीजिए। अब मेरे को कल जो मुझे स्टार्ट करना था, कल मैंने आपको बताया था कि कल अपन लोगों ने रेटिंग देखी थी कि सिंगल फेस की रेटिंग तीन चीजों से या रेटिंग अगर थ्री फेस की है या सिंगल फेस की है तो तीन चीजों से मिलकर बनी है, किस किस से, वोल्टेज से, करंट से और फ्रीक्वेंसी से, है ना। तो सबसे पहले जहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि आप करंट किसको बोलते हैं, तो किसी को कोई आइडिया है कि व्हाट इज करंट? करंट क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, पर यूनिट सेकंड। अच्छा, और कोई? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। वेरी गुड, सभी दोनों लोगों ने आंसर सही दिया, अब म्यूट कर लीजिए। देखिए करंट क्या होता है, बेसिकली है क्या, चाहे करंट हो या वोल्टेज हो, सब जगह पे क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से, मतलब एक एटम होता है, एटम में आपके तीन चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो कैसा चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, है ना। तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी से रिगार्डिंग चीजें हैं वो किसमें वर्क कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो इलेक्ट्रिक करेंट इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज अलोंग विद द डेफिनेट पाथ। समझ में आ रही है आपको ये चीज, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? क्या है? मूवमेंट ऑफ चार्ज या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि अभी आप लोगों ने भी बताया कि मूवमेंट ऑफ चार्ज और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इसमें एक वर्ड जुड़ा लगा हुआ है लास्ट में, वो क्या है, डेफिनेट पाथ। डेफिनेट पाथ बोल दो या क्लोज्ड लूप बोल दो, एक ही चीज है उसमें, है ना। तो ये करंट कहाँ फ्लो करता है, अगर आपसे कोई पूछे कि करंट कहाँ फ्लो करेगा, तो करंट क्लोज्ड लूप में फ्लो करता है। समझ में आया आपको ये चीज, करंट कहाँ फ्लो करेगा, क्लोज लूप में। जब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक क्लोज लूप में फ्लो करेंगे तो वो वहां पर क्या होगी, करंट की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम करंट वहां पर होगा, है ना। तो अब जैसे कि एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देखिए, एक क्लासरूम है उसमें सारे स्टूडेंट्स आप लोग बैठे हुए हैं और आप सभी लोग क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो अगर आप उस क्लासरूम से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उस क्लासरूम का गेट बंद है, तो आप सारे स्टूडेंट उस क्लास के अंदर ही मूव करते रहेंगे, तो वो कहाँ, तो वहां पे क्या होगी, करंट की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम, क्योंकि आप सारे स्टूडेंट्स कहाँ पर है, क्लास के अंदर ही हैं, है ना। और अगर गेट ओपन है और आप सारे स्टूडेंट्स क्लास से बाहर निकल गए, मूवमेंट करते करते क्लास से बाहर निकल गए, तो उस क्लासरूम में जो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है वो कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि करंट हमेशा क्लोज लूप में फ्लो करता है। समझ में आ रही है सबको ये चीज? यस एंड नो, यस मैम, है ना, कि क्लोज लूप में करंट फ्लो करेगा, इसीलिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है क्या, डेफिनेट पाथ। ये देखिए यहाँ पर एक ये डायग्राम भी बना हुआ है इसका, कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट क्या होती है करंट की, एम्पियर। क्या यूनिट होती है करंट की, एम्पियर, है ना। अब ये आप लोग जो ये पूरा स्लाइड आ जाएगा, ये सारी चीजें जो है आपको लिखना भी है कॉपी में। अभी आप जैसे आज का नोट्स बनाएंगे आज की डेट के, तो आज की डेट के नोट्स में आपको फर्स्ट डेफिनेशन जो आप लिखेंगे करंट की, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए स्क्रीन का, इससे देख के आप अपनी कॉपी में पूरा लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। यस मैम, ओके मैम, यस मैम। चलिए हो गया, आगे बढ़ो। ये करंट की डेफिनेशन समझ में आई है आप सभी को? यस मैम। किसी को दिक्कत तो नहीं है? यस मैम, नो मैम। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पे आगे चलते हैं अपन। ये यूनिट मैंने आपको बताई थी चार्ज की क्या होती है, कूलम्स होती है, और इसके थ्रू आप लोगों ने इसको करंट के यूनिट बनाइए। I is equal to charge upon time, that is equal to upon second, so it's called ampere. Okay? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको फर्स्ट वाली जो स्लाइड थी उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, उसको आपको अपनी नोट्स कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी आ गई आपकी, वोल्टेज की। अब वोल्टेज क्या होगा, किसी को पता है कि वोल्टेज किसको बोलते हैं, कोई बताएगा वोल्टेज क्या होता है? Anyone? Energy per second. और कोई? Electric potential between two point. क्या बोला? Potential?
difference potential difference between two point ठीक है चलिए अब इसको वोल्टेज को अगर अपन सिंपल वर्ड्स में समझें कि किसको अपन बोलेंगे वोल्टेज को वोल्टेज अगर हमें सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो क्या था कि अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए उनके ऊपर जो फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है वोल्टेज आपका समझ में आया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो कर रहे हैं चार्ज है वो फ्लो कर रहा है उस चार्ज को फ्लो करने के लिए उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं वोल्टेज देखिए उसकी डेफिनेशन भी यही जो होगी अभी एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट समझ में आ रहा है एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ चार्ज जैसे कि आपका एक इलेक्ट्रॉन है आप मान लीजिए आप बैठे हुए थे अपने क्लासरूम में लेकिन आप अपने जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाना चाह रहे थे शिफ्ट नहीं करना चाह रहे थे लेकिन आपके फ्रेंड ने बोला कि आप वहां से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पे बैठ जाइए है ना तो आपके ऊपर जो फोर्स लगा उस समय उसने जो आपको मतलब फोर्स करा कि उठ के तुम वहां बैठ जाओ आपके ऊपर जो फोर्स लगा वो चीज क्या है वोल्टेज है आपके समझ में आ रहा है यस मैम कि आपके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है वोल्टेज है और वोल्टेज की यूनिट क्या होती है वोल्टेज की यूनिट वोल्ट 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 होती है वाट होती है वाट जो यूनिट होती है वो किसकी होती है पावर की होती है पावर यस है ना देख लीजिए द वोल्टेज बिटवीन द टू पॉइंट्स में आल्सो बी डिफाइंड एज एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मैम ऐसे भी तो डिफाइन कर सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज हाँ सेम चीज है बस लिखने का तरीका अलग है ओके मैम देखिए अब इसकी जो यूनिट क्या होती है इन एसआई यूनिट वोल्टेज इन वोल्ट्स अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस स्लाइड का और ये आपको कॉपी में लिखना है ले लिया स्क्रीनशॉट यस मैम तो फर्स्ट डेफिनेशन आप करंट की लिखेंगे सेकंड डेफिनेशन आप वोल्टेज की लिखेंगे ये करंट और वोल्टेज दोनों सबको समझ में आ गया किसी को डाउट तो नहीं है अगर डाउट है तो पूछ लो मैं फिर से रिपीट कर दूंगी मैम एक बार स्टार्टिंग से समझा दीजिए मैं अभी ज्वाइन हुआ हूं अब बेटा ये तुम्हारा प्रॉब्लम है ना कि तुम लेट क्यों ज्वाइन करे हो मैम बहुत पहले से चला था पर हुआ ही नहीं कर पा रहा है चलिए कोई बात नहीं मैं फिर से 2 मिनट बता देती हूं कि मैंने आज जो स्टार्ट कर रहा था वो करंट की डेफिनेशन बताई है और वोल्टेज की डेफिनेशन बताई है करंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक क्लोज लूप के अंदर क्लोज पाथ के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं करंट है ना कि जैसे कि आप सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं आप एक लूप के अंदर मूव कर रहे हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कैसी हो गई मैक्सिमम इट मीन्स वहां पर करंट की वैल्यू कैसी हो गई मैक्सिमम ठीक है और उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए उनके ऊपर जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं वोल्टेज ठीक है ये दो ही डेफिनेशन अभी बताई है मैंने मैम ये जो वोल्टेज है इसकी पावर जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा उससे ज्यादा होगी क्या इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा जो उससे ज्यादा ही रहेगी ना हमेशा नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका रेजिस्टेंस क्या होता है रेजिस्टेंस देखिए आज मैं केवल आपको बेसिक जो आप पहले भी पढ़कर आए हैं वही बेसिक डेफिनेशन बता रही हूँ कि क्या वोल्टेज होता है करंट रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस मैं बताऊं हाँ बोलो द हर्डल डेवलप्ड बाय करंट द हर्डल डेवलप्ड इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस हाँ सही है मतलब इलेक्ट्रॉन अगर सिंपल लैंग्वेज में क्योंकि मैं बहुत सारे लोग इसमें हिंदी मीडियम के भी है तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बता देती हूँ रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच ऑफर्स अपोजिशन टू द करंट एंड डिसिपेट्स एनर्जी इट मींस कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उन पे अपोजिशन जो लगता है उसमें उनको फ्लो करने से जो अपोज करता है जो चीज रेजिस्टेंस बोलते हैं करंट का अपोज करता है जो फ्लो करने से उसको हम क्या बोलते हैं अभी ये प्लेट का 5 मिनट का टाइम मिलेगा 10 मिनट का कौन बोल रहा है ये बीच में म्यूट करिए
इसकी आवाज आ रही है बीच में, म्यूट करो ना अपना माइक्रोफोन। मैम सबको म्यूट कर दीजिए सबसे अच्छा। मैं बार बार कर देती हूँ फिर पता नहीं कौन अनम्यूट हो जाता है। अब सुन आवाज आ रही है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच ऑफर्स अपोजिशन टू द करेंट एंड डिसिपेट्स एनर्जी। कि करेंट को फ्लो करने के समय उस पर जो अपोजिशन होता है वो क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी? सिंबल देखिए, सिंबल रेजिस्टेंस का कैसे बनाएंगे? ये सिंबल है रेजिस्टेंस का। ठीक है, और प्रैक्टिकली अगर आप मार्केट से लेने जाओगे तो रेजिस्टेंस आपको इस टाइप के दिखते हैं, और इसकी जो यूनिट होगी yes, वो क्या होती है? ओम। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। तो अब आपको जो आपने करंट की डेफिनेशन लिखी, एक वोल्टेज की लिखी, अब आप जब रेजिस्टेंस की लिखोगे तो ये ऊपर वाली दो लाइन लिखोगे और इसका सिंबल ड्रॉ करोगे रेजिस्टेंस का। ओके मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक किसी को रेजिस्टेंस तक? नो मैम, ये तो पीछे वाला ही है। हाँ, ये सब तो आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं, जस्ट अपन रिकॉल कर रहे हैं सारी चीजों को। इतने दिन में जो अपन भूल गए हैं तो उनको बस रिकॉल कर रहे हैं अभी तो। यस है ना। तो आपको ये दो लाइन की डेफिनेशन लिखनी है, इसका सिंबल बनाना है, और इसमें इसकी यूनिट मिसिंग है तो आप यूनिट लिख लीजिएगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओम। ओम्स। ठीक है। ओके। नेक्स्ट आता है आपका कैपेसिटेंस। क्या होता है कैपेसिटेंस? Energy stored in a cell is called its capacitance. Very good. Charge को store करता है. Very good. Capacitance क्या है? एक charge storing device है, जो अपने अंदर charge को store करता है, वो होता है हमारा capacitance. Capacitor. ठीक है? Capacitance is the ability of material to store the charge in a form of separated charge or an electric field. It is the ratio of charge stored to the voltage difference between the two plates. Symbol क्या होता है इसका capacitance का? C. C. ये तो C से आप इसे represent करते हो। जैसे अपना resistance का अभी आपने symbol देखा, ऐसे ही capacitance का। मैम वो दो parallel lines बनी रहती हैं। Parallel plates होती हैं। Very good, very good. दो parallel plates जो होती हैं, उसको हम उस वो symbol किसका होता है? Capacitance का। और capacitance क्या होती है capacitance की? फैराड। क्या होगा आपको स्क्रीन पे? फैराड। मेरा है स्क्रीन पे शो? यस मैम। इक्वल टू क्यू अपॉन वी, चार्ज अपॉन वोल्टेज, कूलाम अपॉन वोल्ट, तो इसकी यूनिट क्या आ गई? फैराड। फैराड। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस मैम। अभी मैं लास्ट के 5 मिनट्स में आप लोगों से पूछूंगी ये सारी चीजें, इसलिए अच्छे से करके जाइएगा, नहीं आए समझ में तो पूछते जाइएगा। ओके मैम। ओके मैम। नेक्स्ट क्या है आपका? इंडक्टर। इंडक्टर और इसके बाद इंडक्टेंस। क्या होता है इंडक्टर? इंड्यूस्ड करंट में स्टॉपेज लाता है। इंड्यूस्ड करंट में स्टॉपेज लाता है, मतलब एक तरीके से ये क्या है, जैसे रेजिस्टेंस आपका स्टॉप करता है आगे करंट को फ्लो करने से, ये भी स्टॉप करने की कोशिश करता है, लेकिन ये सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को फ्लो करा देता है अपने अंदर से, पूरा 100% उसको नहीं बंद कर पाता, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी फ्लोड बाय द कंडक्टर, सॉरी इंडक्टर। प्रैक्टिकली अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि ये कॉइल्स हैं, ये कॉइल आपको अगर आप लेने जाएंगे कि हमें इंडक्टर चाहिए तो इंडक्टर इस टाइप से आपको मार्केट में दिखेगा, है ना। और ये जो बना हुआ है ये क्या है? इसका सिंबल है इंडक्टर। ठीक है। फैन में भी ऐसा ही होता है? हाँ, फैन में भी ऐसा ही होता है। समझ में आ रही है आपको ये चीज? यस मैम। यस मैम। अब क्या आ गया?
इंडक्टेंस, जो अभी अपन ने देखा कि इंडक्टेंस इज मेजर द एबिलिटी ऑफ डिवाइस टू स्टोर द चार्ज इन ए फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को स्टोर करता है. ठीक है, इट इज मेजर्ड इन हेनरीज. इसकी यूनिट क्या हो गई इंडक्टेंस की? हेनरी. हेनरी और सिंबल अभी आपने इसके पीछे वाली स्लाइड में देखा कि उसका सिंबल आपने देखा कि वो कॉइल्स को अगर अपन बना दें तो वो इंडक्टर का सिंबल हो जाता है. यस मैम. ठीक है, तो अब इसकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ये मैं पूरा कर दे रही हूँ इसको, एक मिनट. ये इतना इतना आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. ये लिखना है आपको कॉपी में. ले लिया मैम, इसका ले लिया. और उसके बाद आपको ये इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखनी है, ये सिंबल ड्रॉ करने के बाद. दिख रहा है स्क्रीन पे या बंद हो गया? दिख रहा है. नेक्स्ट स्लाइड जो है तो मैम वो नहीं दिख रही. वही ना, वो इसमें पता नहीं कहाँ चला गया स्क्रीन से. गायब भी हो गया. चलिए, आपने उसका वो नहीं ले पाया था ना, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया ना आपने नेक्स्ट वाले का? इंडक्टर का लिया है मैम, इंडक्टेंस का नहीं लिया. ये ले लीजिए अब इंडक्टेंस का. माइक्रोफोन बंद करिए प्लीज. ले लिया स्क्रीनशॉट? यस मैम. चलिए, तो अभी अब जो बच्चे बाद में भी आए या पहले भी आए, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि कल मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको एक सेपरेट कॉपी बनानी है इसके लिए. उस सेपरेट कॉपी में आपको फर्स्ट पेज पे इसका सिलेबस पेस्ट करना है. अगर आप प्रिंट आउट नहीं ले पाए हैं तो आपको सारी यूनिट्स के उसमें नेम्स लिखने हैं. उसके बाद मैंने आपको रेटिंग्स बताई थी, सिंगल फेज की रेटिंग और थ्री फेज की रेटिंग, वो आपको लिखनी है इसमें. ठीक है, उसके बाद आपको ये सारी जो मैंने आज पांच डेफिनेशन आपको बताई हैं, वोल्टेज की, करंट की, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये पांचों डेफिनेशन उसमें आपको लिखना है नोट्स कॉपी में. ठीक है, और ये हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम नहीं लिखेंगे, हमें जरूरत नहीं है. आप सिक्वेंसली अगर लिखते हुए चलेंगे तो आपकी पूरी नोट्स कॉपी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी. ये मत करना थोड़ा थोड़ा सा रहता है, वहीं के वहीं लिख लिया करो हल्की हल, तो वो हो जाएगा कम्प्लीट. मैम कलर पेन कर सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ. ठीक है, और मैं विद इन वीक, विद इन ए वीक और विद इन ए 10 days मैं एक ऐसा डे अभी फिक्स करूंगी आगे चल के कि जिसमें आप अपनी नोट्स कॉपी की PDF मुझे बना के भेजेंगे कि मैं आप लोगों नोट्स प्रॉपरली बना रहे हैं कि नहीं बना रहे. ओके मैम. ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर कॉलेज खुल जाते हैं तो यहाँ सामने दिखता रहता है कि कोई क्या कर रहा है. इसमें से जाने कई बच्चे तो हो सकता है कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो हमें भी तो पता चलेगा ना कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा. हम लोग कैसे मार्किंग करेंगे फिर तुम्हारी? yes, तो ये इतना हो गया. अब इसके बाद जो हमें जो स्टार्ट करना है, देखो आप लोगों ने पहले 12th में अभी पढ़कर आए होंगे कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने पढ़े होंगे. किसके? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के पढ़े हैं आप लोगों ने सभी ने. ठीक है, yes, आज आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, जो जो पूछती जाऊँ बीच में जिसको आंसर पता है वो बता सकता है कि अगर हमने मल्टीपल रेजिस्टेंस, जैसा आपको दिख रहा है मल्टीपल रेजिस्टेंस को अगर मैंने सीरीज में लगा दिया, सीरीज का मतलब समझते हो
कि एक ही लाइन में सारे रेजिस्टेंस लगा दिए, लाइन कोई दूसरी नहीं करी मैंने। yes, ma'am. अगर मल्टी करंट सेम रहेगा, हाँ ये देखिए इस तरीके से कि R1, R2 और RTH मतलब कितने भी रेजिस्टेंस अगर एक ही वायर के थ्रू लगे हुए हैं तो इनको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। पहले तो ये समझ लीजिए कि किसको सीरीज बोल रहे हैं और किसको पैरेलल बोल रहे हैं। सीरीज का मतलब वो कि एक ही लाइन में सीधे जो आगे चलते चले जा रहे हैं, और पैरेलल का मतलब वो आमने सामने जब बात आ जाती है तो पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से अगर कॉम्बिनेशन है तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, चाहे वो रेजिस्टेंस का हो। करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। हाँ, वो आप उस तरीके से भी समझ सकते हो, लेकिन मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ अभी कि एक ही वायर में सारी चीजें लगी हुई हैं, सारे चाहे वो रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो या कैपेसिटेंस हो, अगर स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट सिंगल वायर है तो इनको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब मुझे बताइए कि अगर ये इस तरीके से लगा हुआ है तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा, मतलब टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा इस वायर का, वो आप कैसे निकालोगे? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस कर देंगे। समीशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस मतलब जितने भी उसमें लगे हुए हैं उनको आपको प्लस करना है कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आर थ्री मतलब जितने भी हैं, जो भी हैं उन सबको कर देना। देखिए दिख रहा है आपको अनिमेश क्या पूछते हैं आप पूछिए। बेटा थोड़ा प्लीज जोर से बोलिए, आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो मैम, अब ठीक है मैम? हाँ ठीक है, बोलो मैम। आपने जो जो पांच यूनिट्स बताए थे, एक डीसी सर्किट और वन फेज एसी सर्किट, फिर मैग्नेटिक सर्किट एंड ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड लास्ट वाला बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। मैम ये आवाज चली गई आपकी। हेलो 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 अनिमेश, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद क्या बोला आपने, बोलिए। मैं ये पूछ रहा था टोटल जो यूनिट्स है वो सिर्फ पहली सेमेस्टर में है ना मैम? हाँ पहले सेमेस्टर का, अभी तो अपन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ही पढ़ रहे हैं जो कुछ पढ़ रहे हैं। मैम तो ये चैप्टर डीसी सर्किट है ना? फर्स्ट यूनिट है ये। हाँ ये फर्स्ट यूनिट है, ये फर्स्ट यूनिट अपन ने स्टार्ट करी है आज से। आपने वैसे बोला था कि आप मतलब एज अ पीडीएफ फॉर्म में आप मतलब नोट्स प्रोवाइड मैं दूंगी ना, थ्योरी वाले नोट्स मैं दूंगी आप लोगों को, पीडीएफ फॉर्म में भी दूंगी, लेकिन ये नोट्स कॉपी में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो तो अपन लिखते हुए चले, कम से कम नोट्स कॉपी इतनी तो बन जाए अपनी। पीडीएफ का मुझे पता है कोई कुछ नहीं करता, प्रिंट आउट निकाल के रख लोगे और लास्ट वाले टाइम पे पढ़ोगे, तो अभी भी तो कुछ करते रहना है ना। यस मैम, यस मैम, है ना। तो ये सारी चीजें आपको नोट्स कॉपी में कंटिन्यूएशन में रखनी है, इससे आपका अभी आप देखो okay, आपको जब कंप्लीट होगा तब तक पूरी एक अच्छी नोट्स कॉपी बनकर तैयार हो जाएगी आपकी, कि आप उसको जस्ट उठा के रिवाइज कर लोगे, क्योंकि आपका हो सकता है सिलेबस भी कम हो जाएगा अभी अभी, हो सकता है आज में कुछ गाइडलाइंस आ जाए नई क्योंकि आपको कम टाइम मिला है, तो उस तरीके से आपकी कॉपी ही आपको इतनी हेल्प कर देगी कि आपका सारा काम हो जाएगा इसी में। और कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम, कैरी ऑन। चलिए तो अपन लोग पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस के लिए, है ना। तो ये तुमने देख लिया कि मल्टीपल रेजिस्टेंस को अगर हमने सीरीज में लगाया तो इस टाइप से ये इसका बन जाता है कि आर आर इक्विवेलेंट जो आता है वो क्या आता है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है ना। नेक्स्ट yes. आपका इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, मल्टीपल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर आप पैरेलल में लगाते हो तो पैरेलल का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया, देखिए इस तरीके से अगर आमने सामने लगे हुए हैं अलग अलग वायर के थ्रू, हर वायर अलग जुड़ा हुआ है तो उसको उसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो इसका आंसर क्या आता है,
R equivalent reciprocal summation of all resistance. 1 by R1 plus 1 by R2 and so on. जितने भी resistance हैं, इसको upon में आपको लेना है. ठीक है? इसका हमें screenshot. यहाँ पे potential constant रहता है. हाँ. इसका आप ये ले लीजिए screenshot. ले लिया? जी मैम. चलिए नेक्स्ट. अब मुझे ये बताइए, अगर इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस का आपने देखा, अगर बहुत सारे इंडक्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो क्या आंसर आएगा उसका? सिंपल सम. अगर इंडक्टेंस सीरीज में है तो L इक्विवेलेंट क्या आएगा? L1 प्लस L2 ऐड कर दूंगा. सबको ऐड, सबको ऐड कर देंगे. और कोई रेसिप्रोकल? नो मैम, रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे. रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे. नहीं, अब रुक जाइए. आपको आपको हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग के लिए एक ट्रिक बता देती हूं मैं, कि आपको मैंने अभी जब डेफिनेशन बताई तब भी मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस भी क्या करता है, अपोजिशन द फ्लो ऑफ करंट, और इंडक्टेंस भी वही करता है लेकिन वो मैग्नेटिक सर्किट में करता है. तो दोनों की जो प्रॉपर्टी सेम है तो दोनों का ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी सेम होता है. हमेशा याद रखिएगा आंख बंद करके हमेशा के लिए, कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम होता है, कैपेसिटेंस का उसका जस्ट उल्टा होता है. ठीक है? यस मैम. जैसे कि आपने रेजिस्टेंस का निकाला था आर इक्विवेलेंट सीरीज में, तो इसका भी एल इक्विवेलेंट जब आप निकालोगे तो सारे इंडक्टेंस का समीशन हो जाएगा, एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री. ठीक है? देखिए, देखिए इंडक्टेंस लगे हुए हैं किसमें? सीरीज में. तो जब सीरीज में लगे हुए हैं तो इनका जो एल इक्विवेलेंट है वो क्या आ जाएगा? एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. ठीक है? नेक्स्ट इसका पैरेलल, पैरेलल क्या हो जाएगा इसका? रेसिप्रोकल करके समेशन. रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल 1 अपॉन L1 1 अपॉन L2 एंड सो ऑन. 1 L1 प्लस 1 L2 प्लस 1 L3. बस इतनी चीज आपको याद रखनी है हमेशा के लिए. अगर बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन भी हो तो आंख बंद करके एक चीज याद रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस का आता है वही किसका आता है? ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में ड्रॉ कर दीजिएगा आप लोग. कैपेसिटेंस का भी कर लीजिए. कैपेसिटेंस का समझ गए आप लोग कि इसका अपोजिट आएगा. जहां यहां पे जब कैपेसिटेंस सीरीज में लगे हुए होंगे तो C के 1 / C इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1 / C1 C2 और C3, इसका अपोजिट. यस मैम. ले लीजिए स्क्रीनशॉट. पैरेलल का भी ले लीजिए. इसमें C पैरेलल में क्या हो जाएगा? C1 + C2 + C3. बस C2. कल जिसने मुझे अटेंडेंस भेजी थी, दिव्यांशी और किसने भेजी थी एक लोग ने, तो वो स्क्रीनशॉट ले लो अटेंडेंस का और मुझे व्हाट्सएप कर देना. ओके. है ना? सभी लोग होंगे. अब आज का आपको यही काम करना है, अपनी फेयर कॉपी में जो आपने बना ली होगी कॉपी, उस कॉपी में आपको ये सारी डेफिनेशंस जहां तक मैंने पढ़ाया है, ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तक, ये आपको लिखना है आज. ओके मैम. और कोई इंडिविजुअल ऐसे एक एक करके मत भेजो. मैं पर्टिकुलर एक डे दूंगी आपको कि उस डे पे आपको पीडीएफ बना के सेंड करना है, तभी आप इकट्ठा मुझे सेंड करिएगा. और उसके बाद मैं क्या करूंगी, आप लोगों का मार्किंग उसी हिसाब से करती जाया करूंगी कि किसने भेजा है और क्या करा.
है ना, ऐसे आप इंडिविजुअल भेजोगे तो आपका मिस हो जाएगा, कि okay. आपने पहले ही भेजा हो, मैं उस समय देख ना पाऊं। ओके मैम। चलिए अब आपके पास 4 मिनट्स हैं अभी, अगर आप किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। मैम इलेक्ट्रॉनिक और जो इलेक्ट्रिकल का जो सिंबल था वो भी फेयर कॉपी में उतारना है। हाँ, उसमें एसी और डीसी के सिंबल आएंगे। Yes. कल तुमको मैंने बोला था ना कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आप गूगल पे सर्च करिएगा तो गूगल पे आपको बहुत सारे सिंबल मिलेंगे, लेकिन जो अपने सिलेबस की रिक्वायरमेंट है बस उतने आपको ड्रॉ करने हैं, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, थायरिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड्स, ये सारी चीजें आपको उसमें से लेके ड्रॉ करनी है, और एसी की भी और डीसी की भी। मैम एक बार इंडक्टर और इंडक्टेंस में फर्क बता दीजिए, डिफरेंस बता दीजिए। देखो इंडक्टर जो भी मैंने आपको बताया वो प्रैक्टिकली क्या है, इंडक्टर हो या इंडक्टेंस हो, इंडक्टर से ही इंडक्टेंस बना है ना। इंडक्टर इज अ डिवाइस मैम। हां, इंडक्टर इज अ डिवाइस, और वो क्या है, वो क्या है आपका, क्या कर रहा है, मटेरियल है उसकी। आपने जैसे आप कोई चीज मार्केट से लेकर आते हो, कोई मान लीजिए आप टीवी मॉल गए, टीवी मॉल से आपने एक सामान खरीदा, तो मान लीजिए आपने रूम हीटर खरीदा, तो रूम हीटर खरीदने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है, रूम हीटर की क्या करेगी वो प्रॉपर्टी, कि रूम को हीट करेगी, है ना। तो ऐसे ही इंडक्टर है, इंडक्टर एक डिवाइस है, और उस डिवाइस को आपने खरीदा तो उसकी एबिलिटी क्या है, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? मैम एक क्वेश्चन था मैम, कल 4 ही क्लास हुआ था। हाँ बेटा, रूटीन वाइज तो चल नहीं रहा है। नहीं, रूटीन वाइज ही चलेगा। कल क्या था कि मेरा जो क्लास था वो मुझे फर्स्ट क्लास बोला था, लेकिन माला जैन मैडम का था तो मैंने वो फर्स्ट क्लास ले लिया था। कल आपका जो लैब का पीरियड था ये कोई डाउट क्लास था, तो देखो डाउट क्लास का तो ऐसा है कि जब आपको डाउट होगा हर सब्जेक्ट की तो ही लगेगी, और बाकी अपने पास इतने लेक्चर है कि डाउट अपन हल्की हाली खत्म करके जाते हैं, तो डाउट का तो कोई ऐसा कोई इशू रहता नहीं है उसमें। और रहेगा जिस दिन आपको ज्यादा डाउट, जब अपना अभी तो अपना सिलेबस भी नहीं हुआ ना, तो डाउट कहाँ से होगा, है ना। तो जैसे जैसे सिलेबस रहेगा तब क्या करेंगे बीच बीच में। कल आपका लैब का पीरियड एक मिस हो गया था क्योंकि वो कंफ्यूजन कुछ हो गया था और सिग्नल की प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए। तो नेक्स्ट थर्सडे से आपकी जो लैब रहा करेगी वो लैब 2 से 3 वाली जो आपकी लैब है ना, वो बीटीपीएल की लैब है नेक्स्ट थर्सडे से। अब कोई मिस कम्युनिकेशन नहीं होगा। यस मैम। ठीक है, चलिए स्टॉप करें आज का, और ये इतना। हेलो, ओके मैम। Thank you, ma'am.